रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस सरकार, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पुरस्कार की श्रेणियां। यह पुरस्कार सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता हुआ नेतृत्व के लिए दिया जाता है। इसे कौन प्रदान करता है? यह रमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। देश कौन सा है? ये बहुत पूछा जाता है। ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रथम सम्मान कब दिया गया था? 1958 में पहला सम्मान दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में सबसे इम्पोर्टेंट बात हम चलिए देखते हैं। यह सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, एशिया के व्यक्तियों को। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है। और यह किस लिए दिया जाता है? यह रमन मैग्सेस पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। दिया जाता है कोई सरकारी सेवा हो या सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता हुआ नेतृत्व आदि किन्हीं क्षेत्रों में दिया जा सकता है। प्रदानकर्ता कौन है? रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। देश फिलीपींस। और सम्मान पहली बार कब दिया गया था? 1958 में।